ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಕರಾಳ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲ್ಲ, ಸಭೆ ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಖಾಸಗೀಕರಣವಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಎಂದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ತಂದ ಮೂರು ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾರಕವಾಗಿವೆ, ರೈತರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ. ಮೊದಲು ರೈತ ದೇಶದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದ, ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಪತಿಗಳು ದೇಶದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. अपना रोजगार यूथ को गांव के खेत में तलाश करना पड़ेगा, उसी को तलाश करना पड़ेगा. नहीं तो ये यूथ अगर नहीं आएगा तो ये जमीन नहीं जाएगी यूथ के हाथ से, इस पर खेती करेगी. अभी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसलों की कर रहे हैं, उसके बाद में ये कहेंगे कि घाटा आपको हो रहा, आप हमको दे दो और हम इसमें खेती करेंगे. तो आने वाले टाइम पे ये होगा और 5-7-10-15 साल बाद में ये शुरू होगा. पार्लियामेंट में रखी है, पार्लियामेंट में रखी नहीं कि सरकार किसकी बनेगी. जो भी होगी सरकार, भारत सरकार जो भी होगी, अगर वो गलत कानून बनाएगी तो उसके खिलाफ मूवमेंट खड़ा करेंगे. देखो जब सांसद संसद गूंगी और बहरी हो जाए और वहां से आवाज ना निकले तो फिर सड़क की आवाज सुनाई देती है, तो सड़क पर आवाज होगी सुनाई देगी. हो सके ये गलत फहमी नहीं हम पालते, देश आंदोलन से बचेगा, सरकार से नहीं बचे. आंदोलन होगा तो देश बचेगा. आंदोलन बढ़ गया आरगर का, आज 599 रुपए का इसका चार्ज है, सबसे एक्सप्लोइट. और इस प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी, एमएसपी चली जाएगी, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे तो इन कानूनों का एडवर्स इफेक्ट तो आ गया सामने निकल के. हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चीटर आएगा कि मैं 200 रुपए में ज्यादा खरीद रहा हूँ बाजार से, और खरीद के किसान का चीट करके भाग जाएगा. ये एजुकेशन है और हर आदमी को ये इच्छा रहती है कि उसका महंगा बिकेगा, तो कोई भी झांसा देगा. ऐसा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है. हमने कहा ये एग्जिस्टिंग सिस्टम. और फिर ये क्या करेंगे, जैसे अडानी ने हिमाचल में सेब की खरीद शुरू की 20 रुपए किलो, मार्केट का रेट 14 रुपए था. 3 साल इसने घाटे में सौदा किया वहां पे, 3 साल इसने महंगा खरीदा सेब, मार्केट जो खरीद रही थी उससे 6 रुपए किलो ज्यादा खरीदा. 3 साल में लोकल मार्केट खत्म हो गई. अभी यही अडानी वहां पे 8 रुपए किलो खरीद रहा. ये क्या करें, मार्केट में दूसरा कंपटीटर नहीं रहेगा तो ये एक्सप्लोइट करेंगे. ये इन्होंने जैसे भी जियो ने लोगों को फ्री सिम दे के, और सबका एक है, सबकी लड़ाई है, एक है. पंजाब में इकट्ठे हो गए 32 जत्ते, पूरा देश का किसान एक होगा, सबका इश्यू एक है, सब आएंगे एक जगह, तो सबको एक जगह आना पड़ेगा. अभी इकट्ठा होना पड़ेगा और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो 20 साल में जमीन में जानी शुरू होगी. और जो नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी वे पूरी जमीन को ठेके पे लेंगे, इस जमीन में केमिकल डाल देंगे और की जमीन पूरी खत्म कर देंगे. यहाँ के किसानों को, गांव के लोगों को मजदूर बनाएंगे और उनकी दो मार्केट मिलेगी. यहाँ पे सस्ता मजदूर मिलेगा और कंज्यूमर उनको मिलेगा, बाहर से अनाज जाके यहाँ पे बेचेंगे. ये उनका टारगेट है.